हाय फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में क्लास 12th का चैप्टर मेट्राइसेस। और वैसे भी मेट्राइसेस तो बहुत सरल है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं मेट्राइसेस सरल है या क्या है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेट्राइसेस होता क्या है। तो मेट्राइसेस कुछ नहीं, मेट्राइसेस सिंपल सा अपन लेते हैं, और मेट्राइसेस एक रेक्टेंगुलर अरे होता है, और रेक्टेंगुलर अरे में रो और कॉलम होती है। जैसे अपन जानते हैं कि पता चले ये जो हमारी कॉपी में ये जो लाइनें खींची होती है ना, तो ये अपन इसे क्या बोलते हैं, ये रो हो गई है, ठीक है। और जैसे हमने ये बनाया तो ये वाला पार्ट जो टेबल जैसा बनता है, तो अपन इसे क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट हो गया कॉलम। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या हुआ कि यहां जो मेट्राइसेस बनाएंगे अपन, वो क्या बनेगा, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं, चलिए तो मैंने इसमें लिखा 1, 2, 3, फिर कुछ भी एक वैल्यू लिख देते हैं अपन, 7, 2, 5, 1, 3, 1। अगर ये देखा जाए तो हमारे पास में क्या हो गया, ये है रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये है थर्ड रो। और ऐसे ही अपन इधर से आए तो ये वाला जो हो गया वो हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, और ये वाला पार्ट जो रहा वो आपका हो गया थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अपने पास में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा समझना। अब अगर बाय द वे मैं यहां पर एक छोटा सा रेक्टेंगल मेट्राइसिस बनाता हूं, चलिए अपन ये मेट्राइसिस बना लेते हैं। तो जैसे हमने ये मेट्राइसिस बनाया, मैंने लिखा 1, 2 और 3, फिर लिखा 4, 1, 2, ठीक। अब जैसे ये लिखा है तो अपन देखिए इसमें रो कितनी है, तो क्योंकि रो तो जो होती है उससे ये बोलते हैं, ये फर्स्ट रो हो गई और ये कौन सी रो हो गई, सेकंड रो। तो हमारे पास रो हो गई 2, और कॉलम कितने, तो कॉलम अपने पास में आया 1, 2 और 3। तो हमने इसे लिखा कि ये कितना हो गया, 3 कॉलम। तो ये जो मेट्राइसिस मैंने बनाया है, ये मेट्राइसिस हो गया 2 × 3, और इसे क्या बोलते हैं, ये मेट्राइसिस का अपन बोल देते हैं कि मेट्राइसिस का ऑर्डर है। तो हमने सिंपल सी बात देखी कि मेट्राइसिस का ऑर्डर जो होता है वो रो इंटू कॉलम होता है, और जो रो इंटू कॉलम है, रो इंटू कॉलम, तो हमने ये भी देखा कि ये जो है वो मेट्राइसिस के क्या हो गए, ये मैट्रिक्स की जो है वो एलिमेंट हो गए, और एलिमेंट कितने होंगे, 2 × 3 यानी कितना हो गया, 6। तो हमने देखा इसके अंदर एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर बाय द वे मैं एक छोटा सा मेट्राइसिस और बना देता हूँ, छोटा सा मेट्राइसिस और बना देता हूँ, जैसे मैंने ये बनाया 3, 1, 3, 1, 4, 2, 7, 9। अच्छा, कोई मुझसे पूछे कि यार इसमें रो कितनी है, तो मैंने फट से देखा 1, 2 और 3, तो ये मेरी होगी 3 रो, और कॉलम कितने, तो ये हो गए कॉलम। अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट हो गया 3 × 2, इसका मतलब 6, तो 6 एलिमेंट आएंगे। कोई मुझे ये बोले कि अगर यार एक ऐसा मेट्राइसेस बनाओ जिसके अंदर 8 एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हो, 8 एलिमेंट हो, तो चलिए 8 एलिमेंट कैसे कैसे बन सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि चलो मैं एक काम ऐसा करता हूं ना कि ये मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी ये क्या हुआ, 8 रो, और क्या हो गया, 1 कॉलम। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि पता चले हमने यहां पर बना दिया कि एक ही कॉलम बना दिया, और हमने बोला 1 रो और 8 कॉलम, ऐसा भी हो सकता है। या हम ऐसा भी बना सकते हैं कि उसके अंदर 2 रो रहे, 2 रो, टू रो और कितने कॉलम, 4 कॉलम। तो कुछ नहीं, सिंपल सा पार्ट था, हमने बोला कि मेट्राइसेस क्या होता है, तो मेट्राइसेस रेक्टेंगुलर अरे होता है। रेक्टेंगुलर अरे होने के बाद में उसके अंदर क्या हो सकता है, तो उसके अंदर रो और क्या रहेगी, रो रहेगी और क्या रहेगा, कॉलम। सिंपल सा,
अगर रो और कॉलम हो गया तो उसके अंदर ऑर्डर कितनी रो है, तो उसे अपन रो इनटू कॉलम करके हम लोग लिख देंगे। हमारे पास अलग अलग रहेगा। मान लीजिए हमारे पास किसी ने बोला कि यार 12 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स बना दो, है ना। तो हमने 12 का बनाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो क्योंकि भैया 12 रो हो जाए, 1 कॉलम हो जाए, तो 12 एलिमेंट हो जाएंगे, 12 इंटू 1, है ना। वैसे अपन ने देखा कि यहां पर क्या होगा, तो हमने बोला कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 रो हो और 2 कॉलम हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि 2 रो हो और 6 कॉलम हो। सिमिलरली फिर हमने यहां पर देखा कि यार यहां पर क्या हो सकता है, तो क्योंकि ये जो होगा वो 3 × 4 का हो जाएगा, कितना, 3 रो और 4 कॉलम। ऐसे अपन अलग अलग बना सकते हैं। वैसे 12 एलिमेंट का क्या हो सकता, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 रो और 12 कॉलम, फिर क्या हो सकता, 2 × 6 भी हो सकता ना, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, है ना। फिर अपन ने यहां पर ऐसा देखा कि 3 × 4 अगर अपन देखे तो उसमें भी 12 एलिमेंट हो जाएंगे, इसके वाइस वर्सा भी हो जाएगा, 4 × 3 6 × 2 12 × 1। तो इस तरीके से अपन 12 एलिमेंट का मैट्रिसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसे मैं रफ करके एक काम करता हूं कि फिर ये जितने भी मैट्रिसेस के टाइप है वो अपन देख, तो हम मैट्रिसेस के थोड़े से टाइप देख ले, है ना, जो भी टाइप होते वैसे अपन देख लेते। और मैं यहाँ पे है ना समझाने की कोशिश करता हूँ, आराम से आपने देखना, और सिंपल सा पार्ट है, कुछ नहीं, आप लोगों ने थोड़ा सा मैट्रिसेस तो पढ़ रखा है ना। तो चलो पहला इसमें जैसे दिया हुआ है कि रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस का सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पर जैसे ही बना है उसके अंदर जो मैट्रिसेस होगा वो सिर्फ रो ही होगी। जैसे इसमें अगर मुझसे पूछा जाए तो हमने देखा 1 2 7 8। अच्छा कोई मुझसे पूछेगा यार इसमें कितनी रो है, तो मैंने कहा 1 2 3 और 4, तो ये हो गया 4 रो और 1 कॉलम, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा बोल दें कि ये जो वाला मैट्रिसेस है, तो ये वाला जो मैट्रिसेस है ये एक ही कॉलम है ना, तो ये कॉलम मैट्रिसेस हो गया। ये कैसा मैट्रिसेस हो गया, ये हो गया कॉलम, है ना। मैं गलत बोल दिया था, रो रो इस बार लेते कि इसके अंदर केवल एक ही रो है ना, तो इसे अपन बोलेंगे कि रो मैट्रिसेस है। अब रो मैट्रिसेस ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर एलिमेंट ऐसे हो, ठीक है। अच्छा तीसरा अगर अपन देखें, ये हो गया कॉलम मैट्रिसेस, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है तो इसे कॉलम मैट्रिसेस बोल दिया। फिर हमने ऐसा देखा कि ये जो है ये पार्ट क्या हो गया, रो मैट्रिसेस। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, हमने देखा कि यार स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर में हम देखते हैं कि लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम होती है, तो स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होगा, रो और कॉलम वो जो होंगे आपस में क्या होंगे, सेम। अच्छा लिखते समय कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस जो है वो अपन ने ऐसा एक मैट्रिसेस बना दिया ए आई जे, ए आई और जे, है ना, जिसमें आई और जे आपस में क्या हो जाए, इक्वल। अरे आई रिप्रेजेंट करते, आई कुछ नहीं, आई जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंपल सा पार्ट है, वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, ज्यादा कुछ नहीं। तो हमने देखा ये स्क्वायर मैट्रिसेस, मैं कुछ लिख भी देता हूँ इसमें, जैसे 3 7 9 4, ठीक है। तो इसमें ये 2 रो है और क्या हो गया, ये 2 कॉलम है, सिंपल सी बात, तो ये 2 × 2। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एकाद एग्जांपल बता दो कि यार एकाद स्क्वायर मैट्रिसेस और ले ले, तो हमने ऐसा देखा कि स्क्वायर मैट्रिसेस, अगला आप बोलोगे कि सर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिसेस ले लो जिसके अंदर 3 रो हो और 3 कॉलम हो, ठीक है। फिर 4 रो और 4 कॉलम हो, तो भैया जिसमें रो और कॉलम की वैल्यू दोनों सेम हो, और कभी कभी उसको ऐसे भी लिख देते कि आई और जे आपस में इक्वल हो, और आई मतलब रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, तो आई इंटू जे 3 × 3 2 × 2 4 × 4, ये जितने भी मैट्रिसेस रहेंगे वो कैसे मैट्रिसेस रहेंगे, वो रहेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस। तो चलो ये सिंपल सी बात खत्म हो गई, ये था कॉलम मैट्रिसेस, ये हो गया रो मैट्रिसेस, ये हो गया स्क्वायर। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, डायगोनल। तो डायगोनल तभी बनेगा जब वो कैसा मैट्रिसेस हो, वो मैट्रिसेस हो स्क्वायर, है ना। तो हमने ऐसा देखा कि अगर बाय द वे मुझे कोई बोले क्या है डायगोनल मैट्रिसेस, तो डायगोनल मैट्रिसेस मैंने लिखा 1
हमने ऐसा लिख दिया 7000080, ये मेरा मन से नंबर ले रहा हूं, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं कि यहाँ 7 ही आना चाहिए, है ना, ये कोई से भी नंबर है। फिर अपन ने देखा यहां पर आ गया 001, तो ये वाला जो रहा, ये वाला इस मेट्राइसिस को अपन ने नाम दे दिया कि ये जो मेट्राइसिस है इसको अपन ने बोला डायगोनल मेट्राइसिस। अच्छा, डायगोनल मतलब डायगोनल पे कुछ एलिमेंट के कुछ भी नंबर है और ये नंबर डिफरेंट है, तो इसलिए इसको डायगोनल दे दिया, नहीं तो कुछ और होगा तो उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो हमने सिंपल सा देखा कि यार ये जो है वो डायगोनल मेट्राइसिस है, और डायगोनल मेट्राइसिस को कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या कि डायगोनल, और यहां पर मैंने जैसे ये बनाया तो उसने लिख दिया 7 8 और क्या लिख दिया 7 8 और 1, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिसेस, इसके डायगोनल पे कुछ एलिमेंट की वैल्यूज है, बाकी सभी जगह क्या हो गया, हमने जीरो रखा हुआ है ना, तो बाकी जगह जीरो है। ये हो गया डायगोनल मैट्रिसेस। एक चीज और, जितने भी ये मैट्रिसेस मैं बना रहा हूं उसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे ना तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, तो ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, मान लीजिए इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैंने बी से कर दिया, कुछ ऐसा इसे रिप्रेजेंट करना है मान लीजिए रो मैट्रिसेस को, तो मैंने इसे किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो हमने कुछ छोटा सा पार्ट देखा, एक तो कॉलम मैट्रिसेस देख लिया, एक क्या देख लिया रो मैट्रिसेस, कॉलम में क्या हो, कॉलम एक कॉलम ही हो, रो में क्या हो, केवल एक ही रो हो। फिर अच्छा, इसके अगर बाय द वे इसको अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, 1 row and 3 column, ये तो स्क्वायर मैट्रिसेस है जिसमें रो और कॉलम की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। अच्छा चलो, ये अपन ने सिंपल सा देखा डायगोनल मैट्रिसेस, थोड़े से टाइप है उसे अपन देख लेते हैं। और मेरे पास में है एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस, तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिसेस क्या होगा कि हम वापिस स्क्वायर मैट्रिसेस पर ही जाते हैं, किस पे जाना है हमें, स्क्वायर मैट्रिसेस पे। और आइडेंटिटी मैट्रिसेस का मतलब ये हुआ कि जैसे पता चले आपको एडिशन में पता है आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जैसे अगर ऐसा कोई नंबर मुझे बताओ कि 3 में प्लस कर दे तो आंसर 3 ही आ जाए, तो आप बोलोगे कि 0, तो 0 जो है वो एडिशन के लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली अपन कहां के लिए निकाल रहे हैं, मैट्रिसेस के लिए। तो मैट्रिसेस में भी सिंपल सा है यार, यहां पर अगर डायगोनल हो गया, अच्छा डायगोनल के बाद में मैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस बताता जिसको इन जनरल अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा 2 × 2 में ही बता देता हूं, 2 × 2 का मतलब तो समझ रहे हो ना, क्या 2 row और 2 column, तो सिंपल सा अपन ने देखा। और अगर कोई मुझे आइडेंटिटी मैट्रिसेस बोले तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया 1 1, और ये हो गया 0 0, तो ये हो गया हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिसेस का मतलब ये हुआ। कभी कभी इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दे, I2 लिखा है ना 2 × 2 का है, ठीक है। और कभी इसमें I3 हो गया तो हमने इसको लिखा कि भैया ये जो हुआ 1 1 और 1, डायगोनल पे क्या आ जाए, डायगोनल पे 1 1 1 आ जाए और बाकी प्लेस पर क्या आ जाए, 0। तो इस मैट्रिसेस को अपन जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, सिंपल सी बात। अच्छा एक मुझसे बीच में और रह गया, वो था स्केलर। अच्छा तो स्केलर मैट्रिसेस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, सी से रिप्रेजेंट, चलो सी डाल दिया। और स्केलर जो रहेगा ना उसके अंदर ये जो नंबर तो रहेंगे वो सेम रहेंगे, पर वो 1 होगा तो फिर उसको अपन क्या बोल देंगे, वो आइडेंटिटी हो जाएगा। यहां पर कुछ और नंबर है लेकिन वो तीनों नंबर क्या है, सेम है, तो इसे हमने बोला ये जो मैट्रिसेस है 3 × 3 का मैट्रिसेस है, 3 × 3 का, और इसे बोलेंगे क्या, तो इसे बोलेंगे स्केलर। अच्छा स्केलर ये रहा, फिर ये कौन सा हो गया, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पे 1 1 1, स्केलर पे 2 2 2, और डायगोनल वाला आपने देखा कि एलिमेंट जो है वो एक जैसे नहीं होते, जैसे ही एक जैसे हो गया तो फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा, नाम क्या बोलेंगे, स्केलर। तो हमने देखा कि रो हमने पढ़ लिया, फिर कॉलम पढ़ लिया, स्क्वायर डायगोनल तो यहाँ पे बना हुआ यार, है ना, फिर अपन कहाँ आ गए, स्केलर। अच्छा स्केलर ये रहा जिसमें तीनों एलिमेंट सेम हो, है ना, डायगोनल पे। फिर आते हैं तो हमने देखा ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस जिसके डायगोनल पे 1 1 रिप्रेजेंट हो रहे। फिर आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा हम जैसे आगे बढ़े तो हमें पता लगता है कि अगला जो मैट्रिसेस है वो कैसा मैट्रिसेस है, नल।
तो मैं नल मेट्राइसिस को यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि तुम्हें पता है मैथमेटिक्स में थोड़ा सा जहां पर भी जगह है थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। अच्छा, नल मेट्राइसिस में 2 × 2 का कर देता हूं, इन जनरल कभी कभी है ना इसे ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो 2 × 2 का मेट्राइसिस में बना रहा हूं, वो भी नल। नल का मतलब होता है कि उसके सारे एलिमेंट पे अपन क्या लिख दे, जीरो। तो ये हो गया नल, नल मेट्राइसिस हो गया। फिर हमें मेट्राइसिस दो और हैं जो सिंपल से नाम वाले मेट्राइसिस हैं, तो दो मेट्राइसिस में और बनाता हूं जिसके अंदर अपर ट्रेंगुलर मेट्राइसिस और एक का नाम है लोअर ट्रेंगुलर मेट्राइसिस। तो चलिए मैं अपर और लोअर बता देता हूं और फिर अपन आगे इसके आगे जो है वो इसके एलिमेंट के पोजीशन के बारे में अपन बात कर लेंगे। मैंने इसे हटाने के बाद में अपन देखे अपर ट्रेंगुलर मेट्राइसेस, जैसे मैं इसे किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर दूं, डी 3 × 3 का मेट्राइसेस बनाता हूं। कितना? 3 × 3 का, 3 × 3। अपर ट्रेंगुलर मेट्राइसेस का मतलब यह होता है कि डायगोनल और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जो है ना, वो तो कोई नंबर रहेगा, लेकिन यहां जो डायगोनल के नीचे वाले जो नंबर हैं वो क्या रहेंगे, जीरो। तो ये हो गया अपर, और मुझे लगता है कि सिमिलरली आप समझ सकते हो कि लोअर, ये वाला अपर ट्रेंगुलर मेट्राइसिस हो गया, तो लोअर में क्या होगा कि ये वाले जीरो जो रहेंगे वो ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, लिख ही देते हैं नहीं तो, क्योंकि यार लिख ही दें तो बेटर है। चलो, तो मैंने 3 × 3 का एक मेट्राइसिस लिखता हूँ, है ना। और मुझे थोड़ा बताना कि अगर बाय द वे मैंने जो लिखा है कि वो ठीक है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 4 यहाँ लिख देते हैं, 7, 8, और ये हो गया लोअर ट्रेंगुलर मेट्राइसिस। तो एक हो गया अपर, एक हो गया लोअर ट्रेंगुलर मेट्राइसिस। उसके बाद में सिर्फ एक थोड़ा सा और मुझे बताने का है, वो ये मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मेट्राइसिस है ए, और वो 3 × 3 का मेट्राइसिस है, 3 × 3 का मेट्राइसिस, 3 × 3 का मेट्राइसिस। अब जब अपन ने बहुत सारी रो और कॉलम देख लिए हैं, तो अब मुझे बताने में ये ठीक लगता है कि भैया ये वाला जो एलिमेंट रहेगा उसकी अगर मुझसे कोई पोजिशनिंग पूछे, तो मैं इस पोजिशनिंग को ऐसा बता दूंगा कि यार ये जो है ना, यहाँ पर जो एलिमेंट है उसकी पोजिशनिंग होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, कि पहली रो है और पहला कॉलम है। कोई मुझसे पूछे कि यार ये क्या होगा, तो मैं बोलूंगा यार ये फर्स्ट रो है और कौन सा कॉलम है, तो कॉलम तो सेकंड है, तो मैंने लिखा A12। फिर इसे कोई मुझे पूछे कि यार ये क्या है, तो मैंने लिखा A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर अपन आगे चलते हैं, आगे ये चले कि हमने बोला कि यार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, हाँ रो तो सेकंड ही है यार, और ये कॉलम, हाँ सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ गए, अच्छा चलो तो ये तो आप ही बता दोगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर ये आ गया थर्ड रो, हाँ रो तो थर्ड है यार, ये फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये इसकी पोजीशनिंग हो गई। अच्छा, अब कभी मुझसे मुझे कोई ऐसा दे दे कि यार ये बी एक मेट्राइसिस है और उसके एलिमेंट ये रहे, क्या है, 1, 7, 12, 8, 3, 5, 2, 3, 9 और 6। अब किसी ने बोला कि यार ये जो है ना, ये वाला पार्ट की पोजीशनिंग मुझे बता दो। अरे तो कि पोजीशनिंग बताने में कितनी देर लगती है। हमने ऐसा देखा कि ये जो है वो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो मुझे अगर किसी ने बोला कि यार इसे लिख दो, तो मैंने लिखा कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे जो वैल्यू है वो कितनी है। अच्छा, इसकी बताओ यार ये 7 कहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने बोला कि यार ये 7 जो लिखा है ना, ये लिखा है फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम है, तो क्योंकि यार ये सेकंड कॉलम है। अच्छा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वैल्यू कितनी, 7। किसी ने मुझसे पूछा कि अरे यार ये 12 कहाँ लिखा है, अरे क्योंकि ये तो पहले ही बता देता, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वैल्यू कितनी, 12। किसी ने पूछा यार 6 कहाँ लिखा, तो क्योंकि यार ये तो बड़ा सिंपल सा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम और वहां पे लिखा हुआ है 6। 5 कहाँ लिखा है, तो क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी A22 जो अपने पास में है, A22 वो जो हो गया, वो हमारे पास में लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू जो है वो 5 है।
तो मैंने एक बार अपन रिकॉल कर लेते कि हमने पढ़ा क्या, सिंपल सा पार्ट है ना। तो मैं ऊपर से शुरू होता हूँ, सिंपल सिंपल सा पार्ट है यार, है ना। तो अगर देखा जाए तो रो, तो जिसके अंदर केवल एक रो हो तो वास्तव में क्या होगा, वन रो, और कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो अपन एन कॉलम या ऐसा कुछ समझाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। तो रो ही हो, कॉलम में क्या होगा, सिर्फ कॉलम, ठीक है, एक कॉलम, केवल एक कॉलम। फिर अपन बढ़े स्क्वायर, अरे क्योंकि स्क्वायर में तो रो और कॉलम यानी 3 × 3, 2 × 2, 4 × 4, है ना, तो वो जो रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिसेस रहेगा। फिर डायगोनल, क्योंकि यार जिसके डायगोनल पे एलिमेंट रहे, है ना, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट रहे, बाकी प्लेसेस पर अपन क्या कर दें, वहां पर वैल्यू ऐसी हो जाए, तो इसे अपन बोलेंगे कि डायगोनल हो गया। अगर एक जैसी वैल्यू हो जाए, एक जैसी वैल्यू हो जाए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि वो तो स्केलर हो गया। और एक जैसी वैल्यू के बजाय कभी यहां पर वन 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 हो गया, तो हमने सिंपल सी बात बोली कि अरे यार उसे तो एक नया नाम कुछ दे देते हैं, और वो नाम है अपने पास में आइडेंटिटी। अच्छा नल, अरे तो क्योंकि नल में क्या है, सब जगह जीरो कर दो, सभी जगह, तो ये जो मैट्रिसेस हो गया वो नल मैट्रिसेस हो गया, रिप्रेजेंट हो सकता, ओ से अपन रिप्रेजेंट कर दे। फिर क्या, अपर ट्रेंगुलर, तो अपर ट्रेंगुलर अपर वैल्यूज डायगोनल और उसके अपर पे कुछ ना कुछ वैल्यू, और लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिसेस मतलब डायगोनल और उसके नीचे तो वैल्यू, और ऊपर के पार्ट पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा। अब मैं एक बार पूरा रफ कर देता हूँ, है ना, और उसके बाद में अपन इसे आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे जाते हैं, और अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो हमने अभी तक देखा कि वो मैंने इससे पहले लिखा था ना, रो मेट्राइसेस, फिर कॉलम मेट्राइसेस, फिर क्या है, स्क्वायर मेट्राइसेस, हाँ स्क्वायर मेट्राइसेस, फिर हमने लिखा था आइडेंटिटी, फिर स्केलर, फिर डायगोनल, फिर अपर ट्रेंगुलर मेट्राइसेस, और फिर लोअर ट्रेंगुलर। टाइप है, दो चार बार देखेंगे। अच्छा नल तो मैं भूल ही गया। तो चलिए, हमने ऐसा देखा कि वो सात आठ टाइप वैसे ही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप भी बोल सकते हैं, कि थोड़े समय बाद आपको भी याद हो जाए, कोई खास नहीं, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो हमने ऐसा देखा कि इक्विलिटी ऑफ मेट्रिसेस, तो दो मेट्रिसेस जो रहेंगे वो आपस में इक्वल कब होंगे वो अपन देख लेते हैं। तो हमने कुछ नहीं करा, इक्वल बताने के लिए मैंने सिंपल सा एक पार्ट लिया कि यार इसी को यहीं पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक ही में, कि मान लीजिए मैंने, मेरे पास दो मेट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल है। अच्छा इक्वल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या होना चाहिए, कि दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या, दोनों का ऑर्डर है ना, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर, 2 × 2, 2 × 2 यानी 2 रो और 2 कॉलम। और इधर भी कितना यार, तो इधर भी अपन ने देखा कि यार इधर भी जो रहेगा ना, 2 × 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, चलिए मैंने यहां पे लिखा कि ए बी सी और डी, ऐसा लिख दिया ए बी सी डी, और मैंने यहां पर लिखा 7, 5, 4 और 3। अगर हमने ऐसा देखा तो हमें समझ में आता कि यार ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। इक्वल होंगे इसका मतलब क्या, कभी कभी अपन मान लीजिए इसको, अगर मैं इस मैट्रिसेस को ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूं, इसे अगर कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, है ना, रो और कॉलम। इसका मतलब यह A11 जो किसके बराबर है, B11 के, यानी ये पोजीशन A11 है और ये पोजीशन B उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो B11, यानी अगर दो आपस में मैट्रिसेस इक्वल है तो उसके कारस्पोंडिंग एलिमेंट जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब सिंपल सा, A इज इक्वल टू कितना, 7, B इज इक्वल टू 4 या 5, अच्छा, चलो चलो चलो, B इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 4, अच्छा D इज इक्वल टू 3, तो अच्छा इसको कहां लिखूंगा यार, है ना। तो आप सिंपल सा समझ गए, अरे कि कुछ नहीं होता, कारस्पोंडिंग जिस पोजीशन पे है उसके सामने की पोजीशन पे जो एलिमेंट वैल्यू है वो उसकी वैल्यू होगी, तो ए जो हो गया। ऐसे ही कभी अपने को ऐसा क्वेश्चन दे दे, तो कभी कि पता चले यार ये ऐसा लिखो x+y, और ये लिख दिया यहां पर क्या लिख देते, ए लिख देते, चलो ठीक है। फिर मैंने यहां लिखा बी और यहां मैंने लिख दिया x-y। अच्छा किसी ने मुझे ऐसा भी दे दिया कि भाई साहब ये जो है वो 8, ये 4, ये 3 और ये 2, क्योंकि एक काम करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। अरे क्योंकि ये तो हम तुरंत बता देंगे, ऐसे ही बता देते, चलो। तो ये दोनों
मेट्राइसेस इक्वल हमें दे रखे, तो क्योंकि भैया ए इज इक्वल टू तो 4 लिखो यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 4, और बी इज इक्वल टू कितना लिख रहे हैं, क्योंकि 3 लिख दो, बी इज इक्वल टू 3। सिमिलरली ऐसा का ऐसा जब हमारे पास में आया तो हमने बोला एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हाँ इस बार जरा ऐसा हो गया यार, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, तो क्योंकि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा नाइन्थ में पढ़ा था यार, ये तो बड़ा सरल पार्ट हो गया, क्योंकि वाई से वाई कैंसिल कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, और फटाफट इसको करो, तो ये 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5, तो क्योंकि x की वैल्यू निकाल ली, और x प्लस y इज इक्वल टू 8 है, तो x 5 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना 3, क्योंकि ये तो सिंपल सा पार्ट है यार, है ना। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ अपने को इतना निकलना था कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। अच्छा क्वेश्चन अगर आप आईडी में उठा के देखेंगे तो इस पे कम से कम 25 क्वेश्चन बना के रख दिए होंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसका पार्ट तो वही, हर किसी क्वेश्चन में ऐसे ही करना, मैंने सिंपल सा उसका एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया। लगेगा तो और क्वेश्चन करेंगे, पर ये मुझे लगता नहीं कि इतने कठिन क्वेश्चन है ना, तो 9th-10th का अपने को पार्ट ऐसे लगता है। अच्छा कुछ चीजें उधर से अपन थोड़ा सा ध्यान हटा के अपन इधर आए। अच्छा यहां पर भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिख लिया था, ये मैंने कल कुछ एक दो क्वेश्चन उठाए थे, तो ये क्वेश्चन हमने ऐसा देख लिया कि यार इसे हम कैसे करें, तो ये वाला उठा लेते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को उठाएं। वैसे एक क्वेश्चन कभी कभी देखो आरडी में जब दिया है तो उन्होंने क्वेश्चन बहुत सारे बनाए और प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं, और डिफिकल्टी लेवल हर बार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते गए वो लोग, तो हमने इसको देखा। मैं डिफिकल्टी लेवल देखो, इसको इसको देखते यार, वो ये वाला तो तुम कर लोगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर बाय द वे इसके बारे में बात करो तो मैंने बोला यार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो x इज इक्वल टू अपना पहले ही आंसर आ गया कितना, -3, तो ये आंसर हमारे पास में आ गया। फिर अगर कोई हमसे बोले कि यार इसका आंसर हमें चाहिए इसका, तो हमने लिखा लो यहां पर भी कर देते 2y प्लस x इज इक्वल टू कितना यार, -7, ठीक है। अच्छा 2y और ये -3, x इज इक्वल टू -3, तो चलो लिख ही देता हूं यार, है ना। थोड़ा सा अब जल्दी थोड़ा सा देख लेना आप लोगों ने, फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना प्लस, है ना, चलिए ठीक है। तो ये माइनस का उधर गया तो +3 हो गया, 2y इज इक्वल टू कितना हो गया -4 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया -2, तो क्योंकि यार ये आंसर तो ये तो क्योंकि हम कर लेंगे, आप लोग वैसे ही कर लोगे ना, तो इस पार्ट को ड्रॉप करता हूं मैं, इसको ज्यादा समझाना भी ड्रॉप करता हूं। फिर अपन इस पे आते यार, तो क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो था वो 2 के इक्वल हो गया, ये 5 जो था वो 5 के इक्वल हो गया, इसका मतलब a प्लस बी जो है ये भी आपको पता है, 11th में बहुत सारे अपन ने क्वेश्चन ऐसे करे थे, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, और अगर मुझसे पूछा जाए तो a प्लस बी है ना ये वाला पार्ट इसके बराबर, और a बी इज इक्वल टू कितना, a बी इज इक्वल टू 8, a बी इज इक्वल टू 8। अब आपको पता है कि हमने पिछली क्लासेस में ऐसा करा था, वो शायद स्ट्रेट लाइन के उसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो हमने ऐसा देखा था कि यार a को तो a ही रहने दो, b की वैल्यू यहां से रख देते, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, 6 माइनस a इज इक्वल टू कितना, तो a को तो a रहने दिया, b की वैल्यू यहां से उठा के अपन ने क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, और ये कितना था 8, तो हमने लिखा 6a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अच्छा एक काम करता हूं यार, इसको मैं ऐसा करता हूं कि इसे उधर उस साइड ले जाते, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ये गया तो माइनस का 6a, और ये जो गया तो हमारे पास में आ गया उधर गया ना, तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब अपन इसको दे ले कि ए स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हाँ ऐसे दो नंबर जिनका सम तो यह आ जाए 6 है। अच्छा चलो वो आपको पता है यार, 10th वाले बच्चे वो 10th में ज्यादा समझाना पड़ता है, यहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि यार ये ऐसा आएगा, -2 कॉमन ले लिया तो a माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 0, तो अपने पास दो इसके फैक्टर आ गए, a माइनस 4 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मुझे समझ में आया कि यार a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू कितना, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2, दोनों का मल्टीप्लाई देख लो आप, a और b का मल्टीप्लाई कितना आ गया 8 और a। अच्छा इसका ये एम नहीं था मेरा बताने का, मीनिंग क्या था कि मीनिंग हमारे पास ऐसा था कि यार ये दो अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उसके कॉरेस्पोंडिंग एंगल कॉरेस्पोंडिंग वैल्यूज आपस में क्या होती, इक्वल होती है,
और अगर वैल्यू इक्वल होती है और कोई हमसे पूछे कि यार ए और बी की वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमने देखा, इसका हो सकता मैंने थोड़ा पार्ट करा हो, थोड़ा छोड़ दिया हो, क्योंकि जेड माइनस वन इजिकल टू थ्री तो जेड इजिकल टू फोर, वो टाइम पास वाली बात आ जाएगी, है ना। तो उसको मैंने रहने दिया, वो लिखा इसलिए है कि हमें कुछ पता रहे कि यार इस टाइप के भी क्वेश्चन देते हैं, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है तो अपन जाने देते हैं उसे। अच्छा, एक और पार्ट था और वो मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, फिर भी अपन देखें। यहाँ पर मैंने लिखा है कहीं पर, एक तो ये लिखा कि ये एक मेट्रिसेस ऐसा बना लो जिसमें 12 एलिमेंट हो, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यार मेट्रिसेस अपन क्या बना सकते हैं। एक तो एक मेट्रिसेस बना सकते हैं कि जिसमें केवल एक कॉलम हो, तो हमने लिखा जैसे मान लीजिए हमने ऐसा रो बनाया, तो वन टू है ना, तो ऐसा तो हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, डॉट 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 लगा देता हूँ, दो डॉट लगा देता हूँ और आखिरी में कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। तो हमें 12 एलिमेंट चाहिए, इसका मतलब वन रो और 12 एलिमेंट, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा कि 12 इन टू है ना। फिर दूसरा अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि दो रो बना दे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो इसमें कितनी रो हो गई, टू रो एंड सिक्स कॉलम, है ना। तो इसमें एलिमेंट कितने आ गए, 12, ठीक है। तो 12 एलिमेंट आ गए, और कुछ बन सकता है क्या यार। हाँ, एक और बन सकता है, तो मैंने ऐसा देखा कि अरे 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 एक और बना दूंगा मैं तो, कैसा, थ्री रो, वन टू थ्री है ना, थ्री रो और फोर कॉलम बना दे, कॉलम फोर बना दे। तो आप कोई भी वैल्यू लिख लो यार, 0 0 0 1 7 9 2 4 3, हाँ। तो ऐसा ऐसे दो नंबर जिसका आपस में मल्टीप्लाई करें। फिर अपन ने देखा कि एक और बन सकता है, अच्छा ये उल्टे भी तो बन सकते हैं, हाँ उल्टे भी बन सकते हैं कि फोर रो हो और थ्री कॉलम हो, सिक्स रो हो टू, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आप लोग समझ गए कि भैया इसको तो हम बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और था कि यार ये है ना, इसमें एक्स की वैल्यू निकालो, मतलब ए भी मैट्रिक्स से क्या दिया हुआ है, 2a + b + x = o। o मतलब क्या, वो नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और नल मैट्रिक्स तुम्हें पता है ना, नल मैट्रिक्स मतलब क्या, तो नल मैट्रिक्स जो होंगे वो होगा जीरो जीरो, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो मेट्राइस है ना, टू इंटू टू का ले लेते हैं। ए जो है वो हमने ले लिया 7 8 1 और 3, ठीक है। ये अपना आ गया कितना, ए आ गया, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। बी मैट्रिसेस भी कुछ लिख लेते, बी अपन मैट्रिसेस लिख लेते हैं 7 3 4 9, है ना, ऐसा कुछ भी मैंने लिख लिया। ये यहाँ ऑर्डर लिख दो तो ज्यादा बेटर है यार, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी क्या बता देते हैं, बोल देते हैं पर लिखते नहीं। अच्छा, एक्स जो है तो एक्स हमें पता नहीं यार, तो ये कुछ अपन ऐसा ले लेते, ए बी सी डी मतलब ये चारों की वैल्यू हमें निकालनी, इज इक्वल टू ओ मतलब नल मैट्रिसेस। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, एक चीज और है कि वो अच्छा हुआ मुझे यहां से अपने को 2a लिखा, तो शायद मैंने 2a इसीलिए लिखा था कि अगर बाय द वे मुझे 2 into a करना है ना, इसका मीनिंग ये हुआ 2 into a, और फिर मैं वहां से देख के लिख देता हूं कि b और ये कितना हो गया, b + x = o, ठीक है। अगर मुझे कोई बोले कि यार 2 2 into a, तो क्या होता अगर बाय द वे 2 है ना, यहाँ 2 लगाओ, इसका मतलब ये होता है कि मैट्रिसेस में 2 का मल्टीप्लाई करना, और मैट्रिसेस में 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसका मीनिंग पता है कि हर एलिमेंट पे 2 का मैट्रिसेस 2 का मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। यहां पर और डिटरमिनेंट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, डिटरमिनेंट की बात डिटरमिनेंट में करेंगे, है ना। तो चलो मैंने सिंपल सा लिखा 2 into a, 2 into a, तो मेरा आंसर कितना आ गया, ये आ गया 2 का मल्टीपल, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, चलो कर दिया यार। कितना आपको लग ही रहा है, आप फास्ट फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि सर ये तो हमें आता है। अरे आता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती बच्चों के लिए, है ना। अगर हमें थोड़ा सा ज्यादा आने लग जाए ना, तो ये तो सबसे अच्छी बात है भाई। तो हमने देखा 7 3 4 9, 7 3 4 और 9, ठीक। और एक्स तो मुझे पता नहीं, तो अपन ने क्या करा, एक्स ए बी सी डी लिख लिया, और इधर जो गए तो वो क्या हो गया भैया, नल मैट्रिसेस। चलो मैंने ऐसा लिखा यार, है ना, थोड़ा सा उधर ज्यादा चले गया, कोई बात नहीं, दिख रहा है बोर्ड पे। अच्छा चलो इसको सम कर लेते यार, कभी मुझसे गलती हो जाए तो समझ लेना कि नहीं नहीं हम अच्छा से कर सकते, आप लोग अच्छे से कर सकते।
मुझसे गलती हुई इसका मतलब यह है कि नहीं नहीं आपको ज्यादा आता है, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो तो हमने इसको सम कर लिया, मैंने ठीक ही करा है सम शायद, है ना। तो प्लस ए बी सी डी, प्लस ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अच्छा ये मुझे बताने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि इस पार्ट को उधर ले जाओ। तो जब अपन ले जाते हैं ना, तो रियल रियल नंबरों के जितने भी रूल हैं वो एडिशन में तो सारे फॉलो होते हैं, है ना। एडिशन में जैसे अपन रियल नंबर को जोड़ते हैं 2 + 3, फिर इसको 3 + 3 को उधर ले गए तो -3, वो सारे रूल उधर भी अप्लीकेबल होते हैं, काहे में, मैट्रिसेस में। तो मैंने यहां पर लिख लिया 0 0 0 0 माइनस, तो ये माइनस क्या हो गया, तो माइनस हो गया ये रहा कितना 21, फिर कितना लिखो यार 19 और 6 और कितना 15। अच्छा किसी बच्चे के मन में ऐसा भी आ रहा होगा कि सर एक काम करो इसको प्लस करो और ये माइनस को है ना चारों तरफ ऐसा कर दो। अच्छा आंसर कितना आ गया, तो हमने देखा कि एक आंसर आ गया -2, जोड़ेंगे तो वही यार जीरो को सम करेंगे ना, तो अपने पास ऐसा आ जाएगा a इज इक्वल टू -21। a इज इक्वल टू कितना, इसको सम कर दो, तो जीरो में तो सम करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो मैं तो एक छोटा सा काम करूं यहाँ पे कि यार ये हटा ही देते हैं, चलो तो ये हटा दिया, तो जैसे हटाया तो फिर अपने पास आ गया a इज इक्वल टू -21, b इज इक्वल टू -19, c इज इक्वल टू -6 और d इज इक्वल टू कितना -15। तो सिंपल सा पार्ट है, हमने छोटे छोटे से चार चार या पांच जो लिए थे मैट्रिसेस, है ना, तो वो हमने देखा कि वो हमें आ गए। और फिर से अगर एक बार देखे तो मैंने समझाया क्या, तो समझाया छोटा सा पार्ट समझाया कि इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, तो दो मैट्रिसेस अपन ने आपस में इक्वल लिए थे तो उनके कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट जो थे वो आपस में क्या थे, सेम। तो हमने यहां से निकाल लिया था, अगर कोई हमसे पूछे तो x + 3 = 0, तो हमने निकाला। सिमिलरली 12 एलिमेंट थे तो क्योंकि सर वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 1 रो 12 कॉलम, 2 रो 6 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, और क्योंकि वाइस वर्सा कर लीजिए तो 12 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर हमने देखा कि यार ये वाला क्वेश्चन था, तो हमने कुछ नहीं, एलिमेंट आपस में सेम रखे, एक दूसरे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और ए और बी की वैल्यू निकाली, ठीक। फिर कंस्ट्रक्ट, अच्छा एक और है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि भाई साहब एक मैट्रिसेस बनाओ 2 × 3 मैट्रिसेस का, तो 2 क्या, 2 रो और 3 कॉलम, तो क्योंकि भैया ये तो पहली बार कर रहे नहीं नहीं ये अपन कई बार कर चुके और अब तो अपने को पता है कि यार इसमें कोई बहुत बड़ा काम करना नहीं, क्योंकि ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। तो मैं आ गया a इज इक्वल टू, मैंने नाम दे दिया यार a, और 2 × 3 का बनाना है, इसका मतलब 2 रो और 3 कॉलम। चलो मैं है ना वो 2 रोस के लिए अपन एक काम करते कि वो एलिमेंट की पोजिशनिंग ही लिख देते, है ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहां लिख देता हूँ a11 और इसको क्या, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ना, तो 2 1 लिख देता हूँ, फिर इसको क्या लिखो यार 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम और ये 1 3 और क्या a 2 3। हाँ तो मेरे अंदर से ये 2 रो है ना, 2 रो और ये कॉलम कितने यार, तो ये कॉलम है 3। तो चलो हमने ये पार्ट कंप्लीट करा, मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें हमने कुछ इक्वलिटी ऑफ दो इक्वल अगर अपने पास मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में 2-4 क्वेश्चन करे। और अब अपन खास पार्ट पे आते हैं मैट्रिसेस के, और मैट्रिसेस का खास पार्ट कुछ नहीं, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस आ गया मतलब सब आ गया, ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूं और देखते हैं अपन उसे करके, ठीक। तो हमने पहली इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी देखी, नल मैट्रिसेस के टाइप से देख लिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और यहीं से अगर आप माने तो मैट्रिसेस शुरू होता है ना, मतलब इतना तो है ही है, लेकिन जो बेस मतलब 12th में जहां से क्वेश्चन शुरू होंगे वो यहीं से होंगे, मल्टीप्लीकेशन से। और अगर आपको मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन अगर आने लग गया तो ये मानिए कि फिर आपका सब आ गया, फिर मैट्रिसेस एक दिन का है और बस 2-4 घंटे आप पढ़ेंगे तो पता चले कि हो जाएगा, है ना। अच्छा एक चीज, जब मैं वो मैट्रिसेस पढ़ा रहा था तो अभी मैंने जहां से मैंने नोट्स बनाया उसमें मैंने देखा तो थोड़ा पता लगा कि यार क्या होता है कि मैट्रिसेस में जो एडिशन होता है ना अपने रियल नंबर का एडिशन, उसमें जो प्रॉपर्टीज फॉलो होती है वो सभी इसमें भी फॉलो हो जाएगी। मतलब वो क्या, वो ऐसा अपन देखें a + b = b + a एडिशन में, है ना, तो एडिशन में ये
कॉमोडेटिव रूल जो है वो फॉलो हो जाता है एडिशन, मेट्राइसेस के एडिशन में वो रूल फॉलो होगा। ए प्लस बी करो, दो मेट्राइसेस को प्लस करो, अच्छा प्लस कब होगा, जब दोनों के ऑर्डर क्या हो सेम हो, तो वो तो आपको पता है, ठीक है। अच्छा इसमें अगर अपन आगे आ जाओ कि एसोसिएटिव लॉ, तो वो भी हो जाता है। फिर तीसरे एक प्रॉपर्टी होती है, वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट जिस पे फिर अगर प्लस कर दे तो रिजल्टेंट सेम आ जाए। तो जैसे अपन देखें कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो जीरो होता है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी नल मैट्रिसेस और क्या बोलते थे इनवर्स, तो इनवर्स अगर बाय द वे पूछा जाए कि प्लस टू का इनवर्स क्या होता है, तो क्योंकि माइनस टू, तो सिमिलरली अगर ए है तो उसका माइनस ए मैट्रिसेस रहेगा। इस पार्ट को मैं ज्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कवर नहीं कर रहा हूं कि मुझे पता है कि वो आप लोग देख लेंगे ना, कहीं पर भी ये देखेंगे तो आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इस पे मैं टाइम थोड़ा सा देने के बजाय अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मेट्रिसेस देख लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या होता है वो मैं ऐसा लिख देता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने ए मेट्रिसेस लिखा, तो ये हो गया एम इंटू एन। आपको पता है कि ये मैंने ऑर्डर ही लिखा है ना, शुरू में सब पढ़ाते, धीरे धीरे अपन 10 बार ऑर्डर बोलते हमको समझ में आ जाता है कि यार कुछ नहीं ऑर्डर ही है। अच्छा एक दूसरा मैट्रिसेस है, अच्छा ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैट्रिसेस में ऐसे ही लिख देता हूँ कि ए जो मैट्रिसेस है उसमें ए एम इंटू एन है, और बी जो मैट्रिसेस है तो इसका मल्टीप्लीकेशन ही तब होगा जब इसके कॉलम फर्स्ट के कॉलम यानी एन और ये क्या आ जाए पी आ जाए, कोई भी, ये रो है ये कॉलम है, ये रो है बी का, ये रो है ये कॉलम है, लेकिन रो कितनी होना चाहिए, वो रो जो होना चाहिए फर्स्ट वाले के कॉलम के बराबर होना है। मैं बताता हूं है ना, तो वो पता चले कि या थ्योरेटिकल से पता ना लगे, तो मैं अभी आगे आता हूं। और तो नया रिजल्टेंट बनेगा सी, वो उसके ऑर्डर जो होगा एम इंटू पी हो जाएगा। अच्छा चलो जाने दो, ये मैं समझाने के बजाय अगर एक क्वेश्चन लिख दूंगा ना तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो तो मैं एक काम करता हूं, मैंने यहां पर ले लिया 3 2 7 1 2 1, मैंने है ना बड़ा नंबर ले लिया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ कि अपने को मल्टीप्लाई में सीखना है ना यार, सीखना है तो मल्टीप्लाई छोटा कर दिया। अच्छा चलो, और ये जो मैट्रिसेस है ये वाला, तो मैंने ऐसा लिखा 3 1 2 1 1 3 ऐसा कुछ। अच्छा इसका ऑर्डर अगर आप मुझे बता दे तो बेटर है, तो चलो मैंने लिख ही दिया यार, मैं कहां आपसे, मुझे पता है कि अपन आपको पता ही है कि 2 इंटू 3 दो रो और 3 कॉलम, आपको दिख रहा है कि 2 रो 3 कॉलम, चलो हटाओ। फिर इसका अगर अपन देखें तो ये रो कितनी आ गई, 3 रो और कितने कॉलम है यार, 2 कॉलम है। हाँ तो मैं जो समझाना चाह रहा था वो आप कई बार देख सकते हैं कि यार ये दोनों पार्ट जो होने थे वो सेम होने थे तभी इसका मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई कैसे होगा वो कभी कभी मैं बच्चों को पढ़ाते समय ऐसा बोलता हूं कि जो ये फर्स्ट रो है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में आप कर दो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में, या मैं कभी कभी ऐसा बोलता हूं कि आप तो ऐसा ले लीजिए और ऐसा मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब मेरा ऐसा बोलना है कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको वर्टिकल में ऐसा लगा दीजिए, जब तक फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में करेंगे, मैं बताता हूं है ना। और तो हमने ऐसा देखा, ऐसा हमने दोनों ये रख लिया और इसको ऐसा करके ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में जैसे ही मैंने इसको ऐसा करके यहां पर रखा तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये फिर ऐसा 10 हो गया। तो मैंने मल्टीप्लाई करा कि भाई ऐसा करके ऐसा रख दूंगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो गया 9, अच्छा इसको मैंने ऐसा रख दिया 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो कितना हो गया 2, और फिर मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया मेरा 10, ठीक है। अच्छा एक बार और समझाता हूं, जब तक फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट का वहां पे मल्टीप्लाई ना हो जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मेरे पास ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम में कर दिया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फिर मैंने सेकंड कॉलम में करा, तो 3 यहां पहुंच गया, 2 यहां पहुंच गया और 5 यहां पे पहुंच गया, तो मैं यहां हो गया 3 + 2 + 15। मुझे ऐसे ही लगता है कि यार इसको मैंने उठाया तो 3 का मल्टीप्लाई यहां, 2 का यहां, 5 का यहां, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। अब जब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में हो गया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इधर है ही नहीं तो कहां से करूंगा, तो फर्स्ट रो मेरी ओवर हो गया।
आगे बढ़ जाए। तो हमने देखा कि यार फर्स्ट रो तो हो गई, तो अब सेकंड रो पे आ जाते, तो हमने सेकंड रो का मल्टीप्लाई करा किसमें, फर्स्ट कॉलम में, तो इसको फिर वही यो हनी सिंह जैसा यूं रख दिया हमने, और पता चले कि ये हो गया 3, फिर ये इसको मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो फिर 2 हो गया। अच्छा इसको फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, अरे बड़ा, फिर तो मुझे एडी करना है। तो मेरा जो रिजल्टेंट आया, आपने एक चीज और नोटिस करना था कि यार मेरा जो रिजल्टेंट आया है वो आ गया, देखो ये 21 में लिख देता हूँ, कभी गलत हो तो वो देख लेना आपने, 17 और 3 20 मैंने लिख दिया, ये कितना हो गया यार 7 हो गया शायद, है ना 7 हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया। अच्छा रिजल्टेंट जो मेरा आया है वो 2 × 2 आया, और मैं आपको यही समझा रहा था कि फर्स्ट का रो और लास्ट का कॉलम, ये और ये जो बच गया है उतने का आपका क्या आ जाएगा, वो आपका रिजल्टेंट मेट्राइसिस का ऑर्डर आ जाएगा। एक और करते हैं, है ना, एक आध और अपन देखते हैं और उसको अपने को समझ में आ जाए तो बेटर। वैसे इसको आप, है ना, रिपीट करके 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यो यो हनी सिंह की तरह ऐसा रख दीजिए, जैसे आपने रखा खुद ही खुद मल्टीप्लाई हो जाता है। एक थोड़ा सा और जो कभी कभी, है ना, अपने को क्वेश्चंस दे देते हैं, तो मैंने ऐसे मेट्राइसिस बनाया, मैं ए बी कुछ लिखता नहीं, मैंने ऐसा लिख दिया, है ना, तो मैंने ऐसा लिख दिया, मैंने लिखा 1, 2 और 3। अच्छा फिर मैंने यहां पर लिख दिया ये 1 रो है और कितने कॉलम है यार, 3 कॉलम है, हाँ 1 रो 3 कॉलम है। अच्छा दूसरा मेट्रिसेस मैं मेरे हिसाब से ले लेता हूं, मैंने लिखा 7, 4 और 1 ऐसा ना, पर इसको मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैं मन में कुछ और सोचा, लिख कुछ और दिया, तो मैंने यहां लिखा 7, 2, 4। अच्छा चलो, तो मुझे समझ में आया कि यार इसमें रो कितनी, 1 ना, कितना 1, ये रो है ना यार, ऐसे देखोगे ना 3, और कॉलम कितना था, कि कॉलम तो 1 ही है। अच्छा अब अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने कहा भैया ये पार्ट और ये पार्ट जब तक सेम होगा तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो 3-3 मैच कर गया। और कभी आपको शुरू शुरू में बाद में तो आपको सब समझ में आता है बेटा, तो हमने ऐसा देखा ये शुरू शुरू में अगर आप देखे तो 3 × 3 ऐसा बना लीजिए या जैसा भी आपको करना है, ठीक है। तो हमने ऐसा देख लिया, उसके बाद क्या करें, अरे क्योंकि फिर उसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, फिर सेकंड रो का, अरे क्योंकि भैया इसमें तो एक ही रो है, तो क्योंकि सबसे पहले आप, है ना, एक काम करो ये और ये फर्स्ट और लास्ट लिख दो, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार इसके अंदर 1 रो और 1 कॉलम आएगा, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, 1 × 1 यानी कितना 1, तो 1 आ गया, इसका मतलब क्या आपके पास एक ही एलिमेंट आ रहा है। जब आपके पास एक ही एलिमेंट आ रहा है तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में और कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा करके ये ऐसा रख दिया। मैं तो ऐसे ही करता हूँ यार, तो मुझे, है ना, तो तुरंत हो जाता है, तो फिर मेरे पास कितना आ गया 7, फिर इसको ऐसा रखा तो आ गया 4 और कितना आ गया 12। तो अगर मुझसे देखा जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कितना 11 23 आना चाहिए यार, 23 1 × 1 ऑर्डर भी लिख ही देते, तो सिंपल सा अगर देखा था 7 4 तो कितना 11 11 और 12 23, ठीक है। तो हमने ऐसा देखा, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन सिंपल, और मल्टीप्लीकेशन जितने कर दोगे, एक और करवाता हूं, देखो एक मेट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन हम और कर लें, और जैसे एक और कर लेंगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं हम कुछ कर पाए, इसी का थोड़ा सा उल्टा कभी कर दूं, तो कभी बाय द वे मुझे ऐसा कोई मेट्रिसेस दे दे, और फिर मुझसे एक आध बच्चे ने भी कभी एक मेट्रिसेस पूछा था कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, आरडी में भी है, और कई बार एग्जाम में भी आया है, तो वो वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ कुछ समय बाद, है ना। तो मैंने यहां पर ऐसा देखा कि कभी उल्टा कभी कर दे, तो यार अपन ऐसा कर दे तो कि 7 2 4 7 2 4 हमने इसको पहले लिख दिया, कितनी रो 1 2 3 3 रो और 1 कॉलम, ठीक है। और दूसरा क्या बेटा, तो दूसरा हमने लिया 1 7 और कुछ और ले लो 2 ले लेते हैं, चलो तो ये क्या है, तो क्योंकि ये 1 रो और 3 कॉलम है, अरे वाह ये दोनों मैच कर गए, है ना। तो हमने देखा यार इसका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, और ये प्रॉपर्टी है भैया कि ये दोनों मैच करने चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, एक का बताऊंगा कि जिसमें दोनों मैच नहीं करे, ठीक है। तो मैं इसको करा, तो आपको पता है कि
कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। सबसे पहले आप रिजल्टेंट लिखो। मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि जब शुरू में मैट्रिसेस करते ना बच्चे, तो मल्टीप्लिकेशन जरा दिक्कत दे जाता। कुछ नहीं, उसमें क्या करो, आप इसका रिजल्टेंट पहले लिख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें 3 रो और 3 कॉलम आएंगे आएंगे, यानी कुल टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, क्योंकि यार ये फर्स्ट रो है, एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, इधर कुछ नहीं है, जाने दो। ये फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट, हमने जो सीखा उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि फर्स्ट रो का, इसको ऐसा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में कर दो, सिंपल 7। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ में कितना, 49। कितना, 49। कितना, 14। फिर अपन किस पे चले गए, सेकंड रो पे, तो सेकंड रो का मल्टीप्लाई, तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि सर सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ में, फिर थर्ड कॉलम के साथ, फिर कितना आ गया, 4। फिर अपन देखें यार ये सिंपल सा आ गया, 4 28 और कितना, 8। मेरा कहने का मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आपको करना है तो सबसे पहले इसे मैच कर लीजिए, और ये जो रिजल्टेंट वाला है ना वो ऑर्डर जरूर लिख दीजिए। जैसे लिखोगे आपके पास वो क्वेश्चन सरल हो जाएगा। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये काफी एक 2x2 का ऐसा एक मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई और करके देख लेते हैं, जिससे हमको वैसे तो अगर आप देखेंगे और अगर आपको आ गया होगा तो बेटर है ना। तो देखते हैं अपन, एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और उसके बाद में, अच्छा एक चीज और मुझे यहां पढ़ानी थी कि जैसे ये जो एडिशन था ना, एडिशन एडिशन में तो कम्यूटेटिव रूल और एसोसिएटिव रूल ये सब फॉलो हो जाते हैं। हम ये देख ले, एक मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते, एक मैट्रिसेस देख लेते, ए ए मेरे पास में है 3 7 9 2, 3 7 9 2 ऐसा मैंने ले लिया, 9 ले लेते यार, बड़ा इतना बड़ा मल्टीप्लाई कौन करेगा। हाँ हम ही को करना है, पर थोड़ी देर से, पहले बेस तो अपन क्लियर कर ले, उसके बाद पता है कि अपन कर सकते हैं, है ना, तो वो हम देखेंगे। मैं इसे 3 ले लेता हूं, चलो हटाओ, ठीक। अब मैंने क्या करा, ए इंटू बी, अच्छा बी मैं यहां लिखता हूं यार, अच्छा चलो जाने दो, बी मैंने यहां लिख दिया, ए इंटू बी, चलो यहीं लिख देते, ए ए कितना, 3 7 4 2, ठीक, और बी कितना, तो मेरे पास में आ गया 1 2 4 3। और आप जानते हो कि आप तो मुझसे पहले कर दोगे, है ना, जैसे थोड़े सी लिंक बनती है तो बच्चे जो है ना वो बहुत तेजी के साथ करते, मैं जानता हूँ। हाँ फिर रुकने का थोड़ी है, एक बार हो गया मतलब हो गया। हाँ इसको अभी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वही वही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, है ना, तो हमने देखा कुछ नहीं यार, वर्ड जो होरिजेंटल है उसको वर्टिकल के साथ कर दो, या अपन बोलो कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो मेरे पास में आ गया 3 + 28, तो मैं 31 लिख दूंगा, 3 + 28 31 लिख देता हूँ यार तेजी से, है ना, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ में, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ में 6 और 21, तो ये हो गया 27। कहीं गलती हो तो वो नोट कर लेना, है ना, देख लेने जा। अच्छा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो 4 और 8, यानी कितना हो गया यार, 12। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ में तो 8 और 6 जो आ गया वो कितना आ गया, 40। चलो अच्छा ये इंटू बी, ए इंटू बी था, अब कमोटेटिव रूल में सेम आता है कि वो अपन चेक करते हैं, तो हमने b इंटू ए निकाला, b इंटू ए, तो b इंटू ए निकाला मतलब मैंने करा 1 2 4 3, ठीक है। फिर अपन इधर थोड़ा सा और आ गए, कितना 3 7 4 और 2 ऐसा आ गया, ठीक। ये ऐसा मैंने जैसे लिखा, अब मल्टीप्लाई करके देख लेते, वैसे तो a इंटू बी और b इंटू ए आना चाहिए, है ना, रियल नंबर में तो होता ही है, कभी इसमें आता है या नहीं आता वो अभी पता नहीं, तो हम देखते हैं यार मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या। चलो मैं भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चलो पर मैं ये, अच्छा यहाँ पे लिखना भूल गया था यार, 2 × 2 और 2 × 2, अरे क्योंकि वो तो सर हमने कर लिया, 2 से 2 था, और रिजल्टेंट भी जो आया वो 2 × 2 आया, और क्योंकि इधर भी हमको समझाने की जरूरत नहीं, इधर भी हमको पता है यही आएगा। तो ये इसको घुमा दो जरा, स्विच कर दो जरा, कितना आ गया, तो क्योंकि 11 आया इस बार, अरे बाप रे कैसे, क्योंकि यार ये 3 था ये 8, ऐसा करके घुमाया तो ऐसा रख दे, बीच में प्लस है, प्लस के अब सीख गए हम। अब इसको ऐसा घुमा दो तो 7 और 4, तो यार यहाँ पे भी 11 आ गया, अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। फिर इसको अपन ने कर दिया, दोनों सेम कैसे आ गए, पर वो तो मल्टीप्लाई है, आएंगे आएंगे। अच्छा ये कितना आ गया, 12 और 12, अरे 24 आ गया, क्योंकि अरे वाह 24 आ गया। और इसका अगर देखे, नहीं ये थोड़ा बदल रहा है यार, ये कितना आ गया, तो क्योंकि 28 और 6 आ गया, 20 और 6 कितना हो गया यार, मेरे अंदाज से 34 हो गया।
अरे बाप रे, ये चीज नहीं देखने को मिली कि भैया ये दोनों सेम नहीं आए, ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कमोटेटिव लॉ मेट्राइसिस में फॉलो इन जनरल नहीं होता, इन जनरल नहीं होता। हाँ किसी केस में हो भी सकता है ना, लेकिन इन जनरल नहीं होता। अरे जैसे पता चले कि कोई अपने से पूछ ले कि सर एक काम करो, आइडेंटिकल मेट्राइसिस का मल्टीप्लाई करके देखो तो जरा। कभी कभी बोलते हैं भाई बच्चे बच्चे का दिमाग है ना चारों तरफ वो होता है, तो उसने बोला कि सर इसको आप करके दिखा हमको, तो क्योंकि होता कैसे नहीं, हम करके दिखाते हैं कि अब भी लो, क्योंकि ये लो 1100 के करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो तो क्योंकि देखो अब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्योंकि आपका आंसर आया, इसको घुमा के ऐसा रखा तो क्योंकि आंसर आया 3, इसको घुमा के ऐसा आंसर रखा तो इसका आया 7, फिर इसको रखा तो इसका आंसर आया 4, और इसको रखा और ऐसा रखा तो मुझे लगता कि ये आ गया 2। ठीक देखता हूँ यार मैं भी, है ना, थोड़ा सा अगर कोई कुछ है तो देख रहा। और आई इंटू ए तो क्योंकि इसको रखो पहले, आई को रख लो आप तो 1001, और जरा इसका मल्टीप्लाई करो इसमें 3, 7, 4 और 2 में करो क्योंकि मल्टीप्लाई फटाफट। अच्छा तो क्योंकि इसमें अपन ने करा ना, तो क्योंकि करो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करो क्योंकि आंसर 3 आ रहा है। अरे क्योंकि इसका करो क्योंकि 7 ही आ रहा है, देख लो आप, क्योंकि इसका करो क्योंकि 4 ही आ रहा है, सम करके देख लो। अरे क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये 4 हो गया, उसका करो 0 करो आ गया 2, क्योंकि आप तो बोल रहे थे क्योंकि ये होता नहीं, ये इंटू आई और आई इंटू ए निकाल लिया, दोनों का सेम आ गया। हाँ तो मैंने वैसे ही तो बोला था इन जनरल, ये जो है ना बेटा ये आइडेंटिकल मैट्रिसेस, इसे बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिसेस किसी भी। और बाद में कहीं कंफ्यूजन ना हो तो आप अभी से एक बात चीज नोट नोट करके चलो कि आइडेंटिकल एलिमेंट का मल्टीप्लाई आप किधर भी करो, आइडेंटिकल मेट्रिसेस का मल्टीप्लाई आप किधर भी करो वो आंसर जो है ना वो सेम आएगा। यानी ए इंटू आई करो, ए इंटू आई करो तो आपका आंसर ए ही आएगा, या आई इंटू ए करो तो भी आंसर ए ही आएगा। मतलब ये वाला जो मेट्राइसेस है कहाँ गया, ये वाला जो मेट्राइसेस है 2 इंटू 2 में हो, 3 इंटू 3 में हो, ये मेट्राइसेस का जो ये आइडेंटिकल मेट्राइसेस है किसी में मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये कई बार कंफ्यूज मत हो ना, ये अभी से आज की तारीख से याद रख के चल दो कि आई इंटू आई जो रहे, ये जो रहेगा ए इंटू आई वो हमेशा ए के बराबर ही होगा। आइडेंटिकल मेट्राइसिस का मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे तो पता चले आंसर सेम ही आएगा। ठीक है तो मैं इतना इतना करने के बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एक आध मल्टीप्लाई और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है तो हम मेरे पास एक क्वेश्चन है उसे मैं उतारता हूं, और उस क्वेश्चन को उतारने के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि वो क्वेश्चन भी मल्टीप्लाई का है तो अपन मल्टीप्लाई सीख ही तो रहे हैं, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक्स वेक्स की वैल्यू भी कुछ निकालनी है। देखते हैं हम लोग हम निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, और मैं लिखता हूं उस क्वेश्चन को। ठीक है चलो तो मैं अपने जो कुछ क्वेश्चन ऐसे नोट करके लाया हूं कि यार ये वाले क्वेश्चन मुझे करवाना चाहिए, तो मैंने इसमें लिखा 1, ऐसा मेट्रिसेस लिखा मैंने, लिखा 1x और 1 लिख दिया फिर, है ना, ये मेट्रिसेस। और मेरा साथ देना इसके अंदर, क्योंकि कारण क्या है कि ये मेट्रिसेस के मल्टीप्लाई में कहीं इधर उधर अपन हो जाए तो थोड़ा सा मुझे बता देना है कि भाई इसमें क्या करना है। ठीक वैसे मैं इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ करूंगा तो अपने का आंसर कुछ इधर उधर होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी 2, 5 और 1, फिर हम आगे बढ़ते हैं 15, 3 और 2 पर, फिर हम आगे आ गए 1, 2x, 1, 2 और x पर, फिर मैं इधर चले गया, ये मेरा नल मेट्रिसेस दे रखा है यार, फिर अपन देखते हैं यार 0 के बराबर दे रखा, हम देखते हैं कि ये 1 इंटू 1 का बनेगा। अच्छा मैं एक काम करता हूं, पहले तो इसे लिख देता हूं 1 रो और कितना 3 कॉलम, और ये कितना 3 रो और 3 कॉलम, तो अगर आप देखें तो ये मैच कर गया, ये 1 इंटू 3 बनेगा और ये जो है वो 3 इंटू 1 बनेगा, तो कुल मिला के 1 इंटू 1 वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं इसे तो रख देते हैं और देखते हैं कि अपने से ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता। अच्छा
मेरा ऐसा बोलना पड़ता है कि सबसे पहले तो मैं भी वही काम करूंगा कि ये जैसे 1 × 3 है, 3 × 1 है, तो 1 रो आएगी और 3 कॉलम आएंगे, तो मैं ऐसा बना देता हूँ यार, ये 1 रो और 3 कॉलम का, ऐसा थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी तो होगा। ठीक, तो मैंने इसका मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया मेरा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 1, ये बस थोड़ा सी लिख देते हैं यार, 1, ये हो गया 2x और ये हो गया 15, तो ये हो गया 16+x, लिख दो ना ऐसा, कहाँ इतना लिखूंगा यार, तो अपन ने सम करके लिख दिया। ठीक है, अपन आगे आते हैं, तो ये हो गया 3, ये भी हुआ 3 और ये हो गया 5x, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, 6+5x ऐसा लिख देता हूँ यार, मुझे लगता है कि ठीक लिख रहा हूँ, आगे देखेंगे अपन। अच्छा, फिर अपन इसको करते, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया तो ये आ गया 2, ये आ गया x और ये आ गया 2, तो ये अपन लिख देते 4+x लिख देता हूँ, लिख दूंगा है ना, इसका मल्टीप्लाई ऐसा करा तो ये हो गया 2, ये हो गया x और ये हो गया 2, तो 4+x लिख देते हैं। अच्छा, ये जो आया ना बेटा, मैं हमेशा ऐसे ही मेरा बोलना पड़ता है कि आप तो इसको 1 × 3 लिख लो, 1 रो और 3 कॉलम, और ये अभी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था 1, 2 और x वाला, 3 × 1, 3 × 1, ये कितना हो गया। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि यार इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इसका जो आएगा वो ये 3 3 मैच करे, यानी 1 × 1 आएगा, यानी एक ही एलिमेंट आएगा यार, है ना, तो वो अपन आपस में इक्वल 0 के रख लेंगे। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा, हाँ फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, एक ही बार मल्टीप्लाई होगा यार, देखते हैं, तो मुझे लगता है अपन कर पाएंगे। तो कितना हो गया है बेटा, 16+x, और बीच में क्या आता है जैसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ गया 12+10x आ गया, है ना, अब बड़ा नहीं बनाता यार, यहीं पे लिख देता हूँ, आप लोगों ने देख लेना जरा, तो ये आ गया 4x+x इसके, अब थोड़ा सा मैं ठीक करके इसे लिख दूं तो ये मेरे पास आंसर आ गया x2, मुझे ऐसा लगता है इक्वल टू वो 0 ओपन कर लेंगे तो x2 आ गया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आ गया 10, 14 और 15 आ गया यार, कितना आ गया 15x आ गया, 15x आ गया, और फिर अगर अपन आगे जाएं तो हमारे पास में ये आ गया 28 28 इज इक्वल टू 0, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है वो इस तरीके से आ जाए तो बेटर है, तो मेरे पास में ऐसा अपन देखते हैं 4x और इसको अगर हम देखें तो कहीं पर अगर बाय द वे मेरे पास में आंसर जो है 14x और ये आ गया है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हमने ये देखा था कि यार ये जो आएगा 1 और ये हो गया 15, तो 16 और 2 है, 16+2x आ रहा है यार, ये है ना 2 है यार बेटा, ये 2 है, कभी कभी ऐसा बोलते तो सही है, लिखते समय गड़बड़ हो गई, चलो तो 2x है, तो ये हो गया मेरे अंदाज से 15 के बजाय 16x हो गया यार, है ना, तो हमने ये देखा x2 और ये 2x था, 4x ये हो गया 10x, 16x हो गया और 28। अच्छा, अब दो नंबर ऐसे निकालना वो तो आपको पता है यार, उतना मैं बोलूंगा थोड़ी, तो ये आ गया 14x, फिर आ गया 2x प्लस आ गया 28 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो x कॉमन ले लिया तो कितना आ गया x+14, फिर अपन ने क्या करा 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया x+14 इज इक्वल टू 0, फिर अपने पास में आ गया x+14 और x+2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास में फिर अगर देखा जाए, अच्छा ये ऐसा लगा देना चाहिए ना आइडेंटिफिकेशन, तो हमारे पास में आ गया x इज इक्वल टू -14 और x इज इक्वल टू -2, सिंपल। और ऐसे अगर आप आरडी में ढूंढोगे तो ऐसे कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन होंगे, और अलग 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 उस पे होंगे, है ना, पता चले इसमें 1 × 3 है तो उसमें कुछ और दे दिया होगा, पर क्वेश्चन वो कुल मिला के आपको वो ऐसे ही समझाना चाहता है। और अब ये क्वेश्चन तो है, अब अपन एक एक दो क्वेश्चन वो करते हैं जो इन जनरल बच्चे कभी कभी हमसे पूछते हैं और हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता, और एग्जाम में तो कई बार आता है ना, कितना भी समझा दो कभी कभी बच्चे, तो मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उससे पहले मैं सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए।